layer with price and zooming and zooming zooming के साथ बताने वाली हूँ. zooming मतलब कि सब चीजें पास से और उनके price के साथ बताने वाली हूँ. so बिना देर के let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ छोटे सीज़र से start करते हैं. तो यहाँ पर है मेरे पास दो फेविकॉल, एक का ढक्कन बंद कहाँ चला गया, ये दो हैं, ये 10-10 rupees के हैं. सो ये 10-10 rupees के हैं. और यहाँ पर मेरे पास एक फेवी स्टिक है, तो मैं आपको उसको खोल के भी बताती हूँ. ये सो मेरे पास यहाँ पर फेवी स्टिक है. ये तो ये फेवी स्टिक हम इसको किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं और वो चिपक जाएगी. फेविकॉल जैसी रहती है बट ये ज़्यादा अच्छी रहती है. एंड इसका एक और यूज़ हो सकता है कि जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको लिपस्टिक का मोल्ड बना सकते हैं. सो हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं अपनी. तो यहाँ पर मेरे पास 5 rupees वाला भी है एक फेविकॉल. सो ये 5 rupees वाला भी है मेरे पास एक. एंड ये मैंने बहुत पहले लिया था, इन दोनों पे पहले ही लिया था मैंने वाला. तो ये अभी भी है तो मैं इसको भी दिखाना चाहती हूँ. एंड उसके बाद एक छोटी सी मैंने डिब्बी में ग्लिटर भर के रखा है. ये थोड़ा सा बचा है, ये फुल डिब्बी में आया था, ये 10 rupees का आया था, ये थोड़ा सा खाली हो गया है बस. ऐसे तो ये 10 rupees में आया था. उसके बाद मैं यहाँ एक और ग्लिटर दिखाती हूँ. ये वाइट कलर का है, वो गोल्डन था. ये वाइट कलर का ग्लिटर है, ये भी 10 rupees का ही आया था. आप देख लीजिए ये ग्लिटर है, ये भी ऐसे ही आया था 10 rupees का. एंड फिर यहाँ पर मैं आपको अपना टेप कलेक्शन दिखाती हूँ. सो ये यहाँ पर मेरे पास दो डेकोरेटिव टेप हैं, एक गोल्डन है. ये 5 rupees ईच आते हैं. अभी मेरे पास दो हैं तो मैं आपको दो ही दिखा देती हूँ. सो ये भी 5 rupees का, एक गोल्डन है मैंने पहले लिया था. और ये है ये सिल्वर है, ये गोल्डन है, ये मैंने लिया था, ये थोड़ा पहले का है, ये भी अभी लाई हूँ कुछ दिनों पहले. सो ये तो यहाँ पर है मेरे पास ट्रांसपेरेंट टेप, ये भी 5 rupees का ही आया था. मेरे पास सेलो टेप भी, मैं आपको दिखाती हूँ. सो यहाँ मेरे पास ये सेलो टेप है, बड़ा वाला है. सो ये एटलीस्ट 50 का आ जाता है. एंड ये आ जाता है 50 rupees का. सो ये मेरे पास सेलो टेप है. एंड उसके बाद ये है कुछ, हम इसको किसी भी अपने उस पर झाले के तौर पे लगा सकते हैं इसको. ये सिल्वर कलर का है, इसका प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ये 30-40 में आ गया था. सो ये सिल्वर कलर का है, मैं इसको बहुत सी चीज़ों में लगा चुकी हूँ. आप इसको बर्थडे पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं. सो मेरे पास रखा हुआ था. सो फिर मेरे पास हैं ये दो प्रिंटेड शीट, सो आप देख सकते हैं. सो मेरे पास ये दो प्रिंटेड शीट हैं. ये 5 rupees का आया है, ये भी 5 rupees का आया है. ये गिफ्ट पेपर भी कह सकते हैं, बट प्रिंटेड शीट भी है. हम इसको कोई से क्राफ्ट में लगा सकते हैं. बहुत अच्छी है ये, मैंने लिया था. ये मुझे तो 5 rupees में ही मिल गया था, आपको भी 5 में ही मिल जाएगा. सो वाला शीट, ये वाला भी 5 rupees में ही आया है, 5 rupees में ही आया है. अभी मेरा जो रिसेंट वीडियो डाला है उसमें मैंने इसी का यूज़ किया है, ये भी 5 rupees का आया है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का ज़रूर दे दूँगी. सो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास और गैमी पेपर्स हैं, इनको आप क्राफ्ट पेपर भी कह सकते हैं. ये 10 rupees के आते हैं, ये 10 rupees के. इसमें ये 15 20 शीट्स आती हैं इसमें, और ये 10 rupees की आती हैं. सो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें अभी ज़्यादा अच्छे कलर्स नहीं बचे हैं, पिंक बचा है, ब्लैक बचा है, ऐसे कलर्स बचे हैं इसमें. सो उसके बाद हम आते हैं अपनी सबसे मेन चीज़ों पर. तो मेन चीज़ें हमारी रहती हैं स्टेपलर. स्टेपलर 40-30 rupees में आपको मिल जाता है, तो मेरे पास ये 40-30 वाला ही स्टेपलर है. सो ये स्टेपलर. उसके बाद ये है हमारी सीजर, ये 15 rupees की आई थी. अभी मेरे पास ये छोटी, अभी मैंने अपना क्राफ्ट चैनल चालू किया है. सो अभी आप अगर अपना क्राफ्ट चैनल चालू कर रहे हो तो आप अभी छोटी से ही चालू करिए, तो जब हमारा चैनल ग्रो अप होगा तो हम और अच्छा लेते जाएंगे सामान. सो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये लाइटर. लाइटर हमें कुछ चीज़ों को जलाने के लिए, जैसे सीढ़ी हो गया, इन सब चीज़ों को जलाने के लिए लगता है. सो उसके लिए मैंने ये थ्रेड जलाने के लिए, सीढ़ी जलाने के लिए लगता है. सो उसके लिए मैंने रखा है. ये 10 rupees में आ जाता है, आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल सकता है. सो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने कटर पर. ये कटर 10 rupees का आ जाता है गाइस, बहुत अच्छा कटर है. आप इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल मिल जाएगा. सो ये भी है मेरे पास. एंड ये मेरे पास वाइट कलर की
ही थोड़ी मोटी वाली थ्रेड है, इसको हम ऊन नहीं कह सकते, ये थ्रेड ही है बट थोड़ी मोटी, ये सिलने वाली थ्रेड नहीं है। मैंने स्पेशली अपनी क्राफ्ट के लिए लिया है, कुछ चीज़ बांधनी पड़ती है या फिर इसको आप कुछ में वो भी कर सकते हैं, मतलब सुंदर तरीके से वो करने के लिए। तो ये 10 रुपीज़ की आ जाती है, भी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल होगी। सो उसके बाद हम आ जाते हैं इस सेक्शन पर, मैं आपको फेविकॉल पर दिखाई दिए। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 बंडल्स ऑफ आइसक्रीम स्टिक। अभी मेरा जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मुझे ये लगेंगी, तो मैंने इनको पहले ही से बाय करके रखा है। ये 5 रुपीज़ ईच बंडल है, सो ये 5 का 5 का, तो ये दोनों मिला के 10 होता है। सो या ये है मेरे पास। उसके बाद हैं ये हमारे वाटर कलर्स, तो मैंने इनको 10 रुपीज़ में बाई किया था गाइस, बट जब ये खाली हो गए तो मैंने इनमें अपने हैंडमेड वाटर कलर्स बना के इनमें डाला हुआ है। इसमें वाइट, इसमें ब्लू, इसमें येलो, इसमें पिंक मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। ग्रीन में मैंने वो पेस्ट डाला और उसी में मिला दिया, और इन ब्लैक का भी कुछ ऐसे ही किया। तो ये मेरे पास वाटर कलर्स हैं। आप घर, अगर आपको मेरी वाटर कलर्स घर पर बनाने का देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मेरे पास कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं। ये मेरा एक ड्रेस का है, ये बहुत सुंदर है इसलिए मैंने इसको रख लिया कि हम इसको कुछ में भी लगा सकते हैं। तो इसका प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकती, वैसे आपको ये 10 या 50 रुपीज़ में कहीं भी मिल सकता है। एंड उसके बाद ये ऊन, ये मुझे एक शादी के कार्ड में मिला था, वो निकल रहा था तो मैंने सोचा मैं ही रख लेती हूँ, और ये ऊन भी आपको 5 से 10 रुपीज़ में मिल जाएगा कहीं भी। तो हम इन्हें डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर। सो ये मेरे पास हैं 10 रुपीज़ वाले 2 डोम्स कलर्स। यहाँ पर मेरे पास 3 हैं, ये अप्सरा के हैं, ये डोम्स के हैं और ये भी डोम्स के हैं, तो इन सब 12 हैं, एंड ये तीनों ही 10 रुपीज़ के आए हैं। तो गाइस डोम्स बहुत अच्छी कंपनी है, ये डोम्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसका सामान बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा रहता है, एंड आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। सो मैं इनके इंस्टाग्राम की लिंक आपको दे दूँगी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ये आप कहीं भी स्टेशनरी शॉप में 20 रुपीज़ में अवेलेबल होंगे। तो मैंने इनको टैंडी में खरीदा है अभी, तो उनके नीचे हैं मेरे ये पेंसिल कलर्स। तो ये पेंसिल कलर्स का मुझे ब्रांड तो नहीं मालूम, बट इसमें भी 12 कलर्स हैं, एंड ये है पेंसिल कलर 10 रुपीज़ का, ये भी 10 रुपीज़ का है। सो इसको भी आप कोई भी इजी अवेलेबल शॉप पे, अपने स्टेशनरी शॉप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, भी बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। तो हमारे वाला सब सेक्शन ख़त्म होता है, हमें सेक्शन तो सॉरी गाइस, मैंने यहाँ का सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, मैंने ग्लूगन नहीं दिखाया आपको। ये ग्लूगन है, वैसे तो ये 300 से 400 में 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा, थोड़ा सा ख़राब हो गया है बिकॉज मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, बहुत अच्छा है। सो और इसमें एक पाइप डला है, सो क्योंकि ये पाइप मैं अभी आपको निकाल के नहीं दिखा सकती हूँ, बट इसमें एक पाइप इंसर्ट है। सो मैंने सोचा पाइप मेरे पास थे 2, तो इसमें 1 लगा है, एक और मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी से सारा सामान लाती हूँ, और उसी में से मैं हफ्ते में 2 ग्लूगन लाती हूँ गाइस। तो दो जो मैं लाई थी, पहली वाली जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने वो प्रिंटेड शीट यूज़ करी, उसी में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसी में मेरी 1 ग्लूगन का पाइप यूज़ हो गया, एंड दूसरा मेरा दूसरे क्राफ्ट की जो अनकमिंग वीडियो है उसके लिए है। सो उसके लिए मैंने पहले ही लगा दिया था, और उसकी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, इसलिए ये इसके अंदर इंसर्ट है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ये शीट पर, तो इसमें मैंने बहुत सारा सामान जमाया हुआ है तो मुझे सब ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये है ग्लिटर शीट गाइस, तो ये 10 रुपीज़ की आई थी, एंड बहुत सॉरी गाइस, मैंने अभी अपनी दी से पूछा है 20 रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की नहीं है गाइस। और इसमें ये वाला भी है कि आप इसमें पीछे कुछ बना लीजिए, काट लीजिए, फिर आप इसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे इसमें आता है। सो डबल साइडेड टाइप का है, सो बहुत अच्छी शीट है गाइस, गोल्डन रेड सब अवेलेबल थी, आपको स्टेशनरी शॉप पे ज़रूर मिल जाएगी, तो आप चाहिए और जाके जल्दी जल्दी ले लीजिए। अगर आप अपना क्राफ्ट चैनल चालू कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए एसेंशियल है, ज़्यादातर चीज़ें तो बहुत कम चीज़ें हैं जो एसेंशियल है, मैंने अभी अभी ख़रीदा है, एंड इसलिए मैं अपना आपको एक क्राफ्ट मटेरियल बता रही हूँ। सो अब हमारा ये वाला सेक्शन ख़त्म होता है, अब हम आते हैं इस सेक्शन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरी लेसेस का पिटारा, सो लेसेस हैं इसमें बहुत सारी लेसेस है गाइस। तो ये तो है गाइस कि मैं जो शादी के कार्ड आते हैं ना उनमें जब भी ये ऐसे करके आते हैं ना उनको निकाल लेती हूँ, तो ये वो है, आप इसको कुछ भी डेकोरेट चीज़ के लिए बांध सकते हैं। तो ये मैंने 6
बाद मेरे पास यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा लेस है, छोटा सा हो गया है, बहुत बड़ा लाई थी मैं, ये 5 रुपीस का आता है ऐसे, तो मैं 5 रुपीस का लिया था, तो बहुत बड़ा था, मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए छोटा हो गया है, सो ये 5 रुपीस का जाता है। तो इसके बाद चलते हैं हम स्पेस में। मेरे कुछ स्टोन्स टाइप के हैं, इन रस्सियों को निकाल दीजिए, तो मेरे स्टोन्स रखे हैं इनमें, बहुत सुंदर से है, प्रिटी लगते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल डायमंड ही है जैसे, तो ये मैंने इसमें संभाल के रखे हैं। सो गाइस को मैंने डिब्बी में बंद कर दिया है, एंड उसके नीचे हमारा एक और लेस है, इसमें पॉम रखा है। सो गाइस ये मेरे पास ये लेस है, इसमें मैंने एक लेस को बांध दिया था, तो ये भी छोटी सी लेस है, इसे हम बॉर्डर पे लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में, ये भी 5 रुपीस की आती है, तो आप कोई भी, तो गाइस इतना टेंशन नहीं है, वैसे तो ये 5 रुपीस का जाएगा, बट मैंने कहाँ से लिया मैं आपको एक राज बताती हूँ। तो ये ना मैंने एक शॉप में गई थी, तो वहाँ पर पहले 10 का मिल रहा था, देन मैं एक और पे गई तो वहाँ 5 का मिल रहा था, इज दैट अमेजिंग। सो मैंने वहाँ से ले लिया, और उसके बाद ये लेस है, ये उतना मतलब वो डेकोरेटिव टाइप का नहीं है, आप इसको मतलब मैं क्या कहूँ, इसको कहाँ लगा सकते हैं, ये लेस ही है, आप इसको मतलब जो सिंपल टाइप की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए वाली लेस लगा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक पॉम रखा है, ये मैंने घर पे ही बनाया है गाइस, देख लीजिए कितना अच्छा बना है ना, मैंने इसको रखा है, तो ये हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। सो इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ ये इसके ये गोल्स हैं, जिनमें छोटे छोटे से बिल्कुल वो मोतीज हैं, जो मैंने वायर पे खुद ही डाल के रखे हैं, पता नहीं क्यों, जब भी मेरे को लगेगा, क्योंकि बहुत छोटे तो कुछ में आते भी नहीं है, खोलो तो तुरंत गिर जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे रखे हैं, जिससे मैं खोलूँ हाथ पे आए मैं चिपका दूँ को किसी भी चीज़ में, जिससे मैंने उनको ऐसे रखा है। एंड देन ये वाला लेस, सो ये वाला लेस आप देख लीजिए, ये भी अच्छा ही है, बस इसमें हम ये वाली इसकी ये नहीं निकाल सकते, या फिर हम काट भी सकते हैं इसको, ये वाली सुंदर है, बट मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ, ये अच्छी लगती है मुझे, कोई भी अगर हम मोटी और कोई भी हम हैवी टाइप का क्राफ्ट बना रहे हैं तो उसमें लगा सकते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मैंने एक दो में ट्राई भी किया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मेरा प्लानर वाला फ़ोटो देखिए, तो उसमें मैंने इसी टाइप की लेस का यूज़ किया है, तो ये आपको स्टेशनरी शॉप पे 10 से 15 रुपीज़ में मिल जाएगी, 5 से 10 में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ी हैवी वाली रहती है इसलिए। सो इसको हम अपने पिटारे को यहीं रख देते हैं, तो मैंने एक और चीज़ में लेस रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये प्लास्टिक के चाय पीने वाले ग्लास हैं, ये तो घर में रहते ही हैं सबके, तो ये मेरे हिसाब से इनका पैकेट तो 60 से 70 में आ जाता है वैसे, तो उसी में से मैंने अपने कोई क्राफ्ट के इनको निकाला था, तो मैंने सोचा मैं अपने क्राफ्ट कलेक्शन में भी दिखा दूँ। सो ये है, उसके बाद मेरा ये रूलर 10 रुपीज़ का आया था गाइस, ये 10 का है, ये स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा, आप इस ये बड़ा वाला खरीदना इसलिए ज़रूरी रहता है, बिकॉज 30 तक रहता है, मेजरिंग के लिए हमें ज़रूरी रहता है, तो क्राफ्ट में दिस इज़ वेरी इसेंशियल। सो उसके बाद ये पेंसिल है, बिकॉज रूलर के साथ पेंसिल तो लगता ही है हमें, तो ये मेरे पास ये पेंसिल है, ये अभी मेरे पास ये अप्सरा की तो नहीं, ये नटराज की है अभी, तो ये नटराज की पेंसिल है, ये थोड़ी छोटी हो गई है बिकॉज मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास है ये बर्ड्स वाले, तो आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप देख ही सकते होंगे कि बस हमें क्या करना है, अच्छा वाला कपड़ा लेना है, कोई भी डिज़ाइन काटना है, मैंने यहाँ ये वाली डिज़ाइन काटी है, उसके ऊपर पॉम लगाना है, ये पॉम मैंने घर पे बनाया है, तो ये लग नहीं रहा होगा कि घर पे बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बना है, ये पॉम भी बहुत अच्छा बना है, तो ये उसके बाद एक और बनाया है वैसा ही टाइप का, तो वही है ये। एंड उसके बाद मेरे पास है ये अपना एक क्राफ्ट, जिसमें भी मैंने अपनी लेसेस रखी है ज़्यादातर, तो ज़्यादा तो नहीं आई इसमें गाइस, बट आ गई, तो ये वाली वही लेस है, तो मैं इसको इसमें रखी जाती हूँ, बिकॉज इसमें ज़्यादा फिट नहीं होता है, तो यहाँ पर ये पिंक कलर की लेस है, पिंक कलर की लेस है, तो पिंक वाली लेस है गाइस, ये देख लीजिए कितनी सुंदर है ना, ये तो 5 रुपीस की आई है, छोटी है थोड़ी, बट बहुत सुंदर लगी मुझे, इसलिए मैंने ले लिया, ये इतनी एसेंशियल नहीं है, अगर आप क्राफ्ट का चैनल शुरू कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा एसेंशियल तो नहीं है, बट लेसेस होना ज़रूरी है, 2-3 तो होना ही चाहिए हमारे पास,
तो ये इडलीस में रख देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेज में है, तो ये है उसके और पीसेज, ये है मेरे पास इसके, इसमें 4 से 3 पीसेज हैं। ये देखिए 4 से 3 पीसेज हैं, ये भी बहुत सुंदर है। तो ये पूरी 5 रुपीज की आई थी या 10 रुपीज की आई थी, मुझे इतना याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगी। सो और अगर आपको मेरे इस वाले क्राफ्ट का वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके ज़रूर ज़रूर देखिएगा। सो ये था, एंड उसके बाद मेरे पास ये स्केच पेन है, इनका भी मेरे पास कवर नहीं है, बट ये भी 10 पहले वाले जो 10 के आते थे अब 15 के हो गए, तो मैं 15 के ही लाई हूँ, तो 10 के भी मिल जाते हैं, 15 के भी, हाँ मैंने 15 के लिए हैं। तो इसमें 12 कलर्स हैं, ये वाटर कलर्स स्केच पेन्स हैं, तो ये ज़्यादातर हमें कार्ड्स बनाने में लगते हैं या ड्राइंग्स करने में लगते हैं, ये हैं। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी सी चीज़, तो मेरे पास यहाँ पर है मेरा ये क्लॉथ गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिंक है और इसमें मोती भी लगे हुए, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था ना गाइस, तो मैंने ले लिया। तो 60 रुपीज़ का है। सो गाइस इसके पीछे की स्टोरी है कि मैं मम्मा के साथ टेलर आंटी के घर गई थी, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर क्लॉथ थे, लाइक दिस, मैंने 3 बाय नहीं करे थे, वहाँ पर मैं गई, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, इसके साथ 2 और पसंद आए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो मुझे वाला बहुत ज़्यादा वाला पसंद आया, तो मैंने उनसे मांग लिया और उनने बोला कि ठीक है तुम ले लो बिना किसी कॉस्ट के, ऐसे तो आपको 60 से 70 में मिल जाएगा गाइस, नो फिकर ना। सो मैं आपको और दिखाती हूँ, तो ये वाला भी बहुत प्रिटी है, शायद कैमरे में उतनी प्रिटी ना लगे बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये सब क्लॉथ्स, इसलिए तो मैंने लिए हैं यार। तो और मेरे पास है ये वाला क्लॉथ भी बहुत अच्छा है, इसको मैंने इसलिए बाई किया क्योंकि कुछ में लगा नहीं सकते, बट इसको लेस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कट करके किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर है। तो गाइस हमारी बिल्कुल आखिरी वाली चीज़ें आ गई हैं, बिल्कुल आखिरी वाली चीज़ें आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पर है मेरे पास लास्ट चीज़ जो कि है फ्लावर्स, ये मैं एक शॉप पे गई थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे खरीद लिए क्योंकि ये तो हमें कुछ भी डेकोरेट करने के लिए लगते ही हैं, तो ये बिग वाले हैं और ये छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ये पिंक हैं, एंड बहुत सारे कलर हैं इनमें। तो इनकी प्राइस तो बड़े वालों की 15 है एंड छोटों वालों की 10 है, सो ये ईच इनकी 15 ईच है एंड इनकी 10 ईच है। तो मैंने बहुत सारे बाय कर लिए थे, एटलीस्ट 100 के तो बाय कर ही लिए थे। तो गाइस यहाँ पर होता है ख़त्म मेरा क्राफ्ट मटेरियल वीडियो। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, और अगर आपको मेरा क्राफ्ट मटेरियल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने वाली हूँ, इसलिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं वीडियो से बोलती हूँ, बाय बाय।